मेरा नाम आशीर्या कुमारी है और uh, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ एंड देन मैंने अभी कुछ टाइम पहले 2018 में मैंने मिस इंडिया का किया था एंड आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस इंडिया पॉपुलर एंड मिस इंडिया बिहार अभी मेरे लाइफ में एक्चुअली अभी हम एक मूवी करने वाले हैं यूटोपिया स्टूडियोज से ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें कि ये पूरा थ्रिलर बेस्ड मूवी है एक्शन मूवी है एंड ये बहुत अलग तरीके का एक कॉन्सेप्ट लेके हम इस मूवी के थ्रू आने वाले हैं बहुत अलग ही आप लोग अगर इस मूवी को जब भी ये रिलीज होगी तो आप लोग प्लीज़ देखने जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट है इस मूवी में और ये इट्स अ साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी दैट्स अभी uh, अभी हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे अभी हम कुछ के बाद बताएंगे वो आपको ने दिख जाएंगे कि कौन hero आने बीच का सफर लाइक like, जब मैंने मिस इंडिया किया एंड फिर फिर मैं बहुत सारे ऑडिशंस करी एंड आ, uh, उसके बाद फिर अभी मैं एक मूवी भी करने जा रही हूँ uh, फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी इन्फेक्ट किए थे जी तो आपको बॉलीवुड कैसा लगता है कुछ इसके बारे में बताइए खूबियाँ इनकी कुछ बॉलीवुड में आने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन रहते हैं आप यहाँ तक पहुँची हैं आप फिल्म भी कर रही हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको कुछ याद हो बॉलीवुड बॉलीवुड इज़ अ काइंड ऑफ की एक अलग ही मिस्ट्री है बॉलीवुड एक अलग ही कहानी है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा हमें uh, मेहनत करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड ऑफ कोर्स आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए एंड uh, कभी कभी आपका लक काम कर जाता है बहुत ज़्यादा और बॉलीवुड uh, में सक्सेस करना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप खुद पर बिलीव करेंगे एंड स्टेप बाई स्टेप आप चीज़ें करते रहेंगे तो uh, आपका साथ आपका बॉलीवुड में आ, रेखा जी हैं माधुरी दीक्षित जी हैं कैटरीना केफ हैं। ये सब की अलग अलग एक्टिंग कैटरीना कैफ हर बार अलग अलग चीजें करती है और बहुत हार्डवर्किंग है कोर्स रेखा जी एक कुछ अलग ही इम्प्रूव हो जाए अमिताभ जी एवरी टाइम अमिताभ जी के साथ मैं काम करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि अमिताभ जी के साथ आ, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो ये मेरी लाइफ की इनफैक्ट मेरे आ, इस, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी ड्रीम है इस फिल्म के अलावा और आपके आ, प्रोजेक्ट कुछ हैं पास में या वेब करना चाहेंगे यहाँ ज़माना एक अलग चल रहा है एक लाइफ जो है ये बॉलीवुड एक अलग तरह से चेंज उसके बारे में इनफैक्ट अभी बॉलीवुड प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आ गई है बिकॉज़ हमारा जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो हर चीज़ आती जा रही है वेब सीरीज़ अभी बहुत बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही है नेटफ्लिक्स आ रही है अगर बॉली सॉरी वेब सीरीज़ में अगर मुझे अच्छे कॉन्सेप्ट मिले वो डिपेंड डिपेंड ऑट कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो मैं काम करना चाहूँगी अदरवाइज़ मूवी तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है एंड And, uh, जो भी अभी चल रही है वेब सीरीज अभी बहुत सारी एक्टर एक्ट्रेस आ रही है वेब सीरीज में गाने का भी बहुत एल्बम सॉन्ग्स अगर मुझे मिलेंगे तो ऑफकोर्स मैं करूँगी अगर उसके भी कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो मैं ऑफकोर्स करना चाहूंगी एल्बम सॉन्ग्स क्योंकि अभी अभी के जनरेशन में बहुत ज़्यादा एल्बम सॉन्ग्स आ रही है और अभी चल रहा है एल्बम सॉन्ग्स यहाँ तक पहुँची लड़कियों के लिए खासकर सपोर्ट घर का बहुत ना ज़रूरी है तो आपको कितना सपोर्ट मिलता है आपकी फैमिली से कि बॉलीवुड में अपना एक नाम का इनफैक्ट मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करते हैं इवन जब मैं मिस इंडिया करी थी तो भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बिकॉज ऑफ़ ओनली बिकॉज ऑफ फैमिली मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि अगर आपका आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपको यहाँ पे आके सर्वाइव करना आपको कैमरा फेस करना पड़ता है वहाँ पे रैंप शो करना पड़ता है तो आपको कितना डिफरेंट लगता है कितना अलग मानती है ये चीज़ें येस ऑफ कोर्स मिस इंडिया एक ब्यूटी पेजेंट है जिसमें uh, जिसमें कि आपको रैंप वॉक करने होते हैं टैलेंट राउंड होते हैं इवन मिस इंडिया एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और बॉलीवुड बहुत अलग है बिकॉज यहाँ पे आपको एक्टिंग आनी मस्ट है आपको uh, आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि आप हमेशा यहाँ पे कैमरा फेस करते हैं सो इट्स लाइक कि बिकॉज क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ा सा इजी था बिकॉज मुझे बचपन से एक्ट्रेस बनना था एंड मिस इंडिया एक uh, एक थ्रू था जिसके uh, जिसके थ्रू मैं इस uh, चीज़ में आना चाहती आ, थी बॉलीवुड में बिलीव इन योर सेल्फ और पेशेंस रखो आप और बहुत हार्ड वर्क करो बहुत ज़्यादा एंड यू विल रीच द गोल अपने वाली फिल्म का नाम कुछ सोचा है एक्चुअली अभी फिल्म के स्क्रिप्ट पे वर्क चल रहा है सो वी कान डिस इवन मुझे भी नहीं पता है नाम मूवी का दर्शकों से क्या दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आ, मेरी हर एक इंटरव्यू देखिए मुझे प्यार कीजिए और मेरी जितनी भी मूवीज़ आए यूटोपिया स्टूडियोज़ की जितनी भी मूवीज़ आए आप लोग प्लीज़ देखने जाइए और आ, मेरे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिए क्योंकि आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ूँगी